और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। एक तरफा प्यार में कांस्टेबल पुत्र ने महिला वकील की गोली मार कर की हत्या, बहन घायल। थाना गंगानगर के सी ब्लॉक में उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के पुत्र ने सोमवार को सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। एक तरफा प्यार में सिरपुरे आशिक ने घर में घुसकर महिला अधिवक्ता व उनकी छोटी बहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। महिला अधिवक्ता की मौत हो गई जबकि छोटी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया। गंगानगर के सी ब्लॉक निवासी मनोज कुमार शर्मा इनकम टैक्स के वकील हैं और मकान संख्या C402 में रहते हैं। C403 में कांस्टेबल राजेश सिंह का मकान है जो वर्तमान में दादरी में सैंतली चौकी पर तैनात है। मनोज कुमार के अलावा उनकी बड़ी बेटी दर्शिता 28 वर्ष भी वकील थी। पिता पुत्री एक साथ प्रैक्टिस करते थे। छोटी बेटी गुड़िका 20 वर्ष अभी पढ़ाई कर रही है। सोमवार सुबह दोनों बहनें प्रथम तल पर बने कमरे में थी जबकि माता पिता निचले कमरे में थे। इस दौरान राजेश सिंह का पुत्र दीपक बहनों के कमरे में घुस गया और पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 3 गोली लगने से दर्शिता अचेत होकर गिर गई जबकि गुड़िका ने गोलियां चलती देखकर ट्रॉली बैग के पीछे छिपकर जान बचाई। हालांकि एक गोली उसके पैर में भी लगी। घटना को अंजाम देकर बेखौफ सिद्धपुरा आसिक नीचे आया। ऊपर की ओर दौड़ रहे माता पिता से कहा कि दर्शिता मेरी थी इसलिए मार डाला। फिर आरोपी चिल्लाने लगा कि तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। 5 साल में दर्शिता से बे इंतहा प्यार करता था, अब वह किसी और की होने जा रही थी इसीलिए उसे मार डाला। इसके बाद आरोपी अपने घर के बाहर खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा कि अब मुझे गिरफ्तार कर लो। मौके पर पहुंची ASP कुलदीप सिंह व SO रविचंद्रवाल ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पिस्टल व कारतूस बरामद किए गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दीपक ने करीब 4 माह पूर्व दर्शिता के साथ रास्ते में छेड़छाड़ की थी। उस समय आरोपी के परिजनों से शिकायत की गई। इसके बाद आरोपी ने फिर से छेड़छाड़ कर दी। पीड़ित परिवार ने मुकदमा दर्ज कराने की बात कही तो आरोपी की मां ने भरी पंचायत और रिश्तेदारों के बीच दर्शिता व उसके माता पिता से माफी मांगी थी। लिखित में दिया गया था कि यदि अब वह इस तरह की हरकत करेगा तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। घटना स्थल पर SSP नितिन तिवारी पहुंचे और आरोपी से पूछताछ की गई। उन्होंने घटना स्थल की जांच भी की और फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात हो गई। घटना के बाद ऊपर कमरे से लेकर नीचे आंगन तक खून ही खून बहने लगा। सीढ़ियों पर भी खून दूर दूर तक बिखरा था। पुलिस उसे साफ करने में लगी है। आरोपी दीपक ने दर्शिता को गोली मारने के बाद चाकू से भी ताबड़तोड़ वार किए। फॉरेंसिक टीम ने चाकू बरामद किया है। मृतका दर्शिता की मां पिंकी शर्मा घर में पूजा कर रही थी। पिता घर से बाहर थे। आरोपी दीपक अपनी घर की छत के रास्ते वकील मनोज शर्मा के घर में दाखिल हुआ था। LLB पूरा करने के बाद दर्शिता LLM कर रही थी। दर्शिता सबसे बड़ी, दूसरे नंबर पर गुड़िता और सबसे छोटा भाई मधुर शर्मा है। आरोपी दीपक गोली और चाकू से ताबड़तोड़ वार करने के बाद छत पर कमरे के बाहर ही खड़ा रहा। जैसे ही पुलिस की गाड़ी पहुंची तो नीचे आ गया और अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पुलिस के सामने दोनों हाथ आगे कर सस्पेंड कर दिया, सरेंडर कर दिया। चाकू से हमले के दौरान नीचे आने से पहले आरोपी दीपक ने पानी से अपने हाथ साफ किए। फॉरेंसिक टीम ने 7 गोली, चाकू और अन्य सामान बरामद किए हैं। जब आरोपी दीपक पुलिस की जीप में बैठा तो आरोपी की मां ने पुलिस से चीख कर कहा कि साहब इसे यही गोली मार दो, इसने बहुत गलत काम कर दिया है। मृतका दर्शिता की 18 अप्रैल को शादी थी, हाल ही में शादी गंगवार से ही तय हुई थी जिसको लेकर दीपक परेशान था। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जांच में सामने आया है कि एक तरफा प्यार में घटना को अंजाम दिया गया है। चिंटू आराम से सही लगी सेंटर में सोच में रोल। आज क्या हुआ? कौन थे आपके घर में? किसने घुसकर हमला करा? अच्छा, उसने गोली बरसाने शुरू कर दी। फिर इसमें मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का नाम भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। वो कहाँ
आंटी क्या गोली किस को लगी? प्रेशन चल रहा था क्या? गोली किस को लगी? हालत कैसी है उन दोनों की? ये पहले से घर में आता था तो वजह क्या थी आज इसने जो गोलियां मारी? कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ आपका सर? हैं? क्या दोस्त था वो आपके परिवार में किसी का? बताइए ना। किसका लड़का? सिपाही का लड़का है वो। आंटी वजह क्या है मारने की बोली? आपकी बेटी की शादी भी होने वाली थी अभी। कब? 18 अप्रैल। जो मरी है उनका नाम क्या है? छोड़ दो। फोन आया ना, मेरे फोन आया इंग्लिश पे, वो मैंने ही करे, ठीक है। दिन में वो कहीं मेरे पास हुई थी, ठीक है, आप निकलवा लेना। मेरा एक नंबर और है उसमें जो का, वो तो सब निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। आईडी मेरी, सब सारी आईडी मेरी है। दीपक भाई हुआ क्या था सर? इसने 5 साल से रिलेशन था, ये हमेशा कहती थी शायद उससे करूँगी उससे करूँगी, ठीक है। इसने खुद भी मुझसे कई साल बीच में कोर्ट में इसके लिए कहा था कि भग लो। मैंने बोला अभी समय नहीं आया, मेरा कुछ करियर में हो जाएगा, फिर हम घरवालों की जगह शादी कर लेंगे। अब हुआ क्या, इसने पहले अक्टूबर में हमने ऐसी मतलब मैंने बोला चल बाहर निकलवा देता है आपको। कौन था गोली मारने वाला? किसने गोली मारी उन्हें? क्यों चलाई? वो बराबर में आता उसका नाम बता रहे थे, गोली उसने मारी, लड़का फिर बन गया। क्यों मारी? इसके पिता क्या करते हैं दीपक के? किस किस के गोली लगी है? बेटी के। आपकी? नाम क्या है उसका? उसका नाम है दर्शिता। और के साथ कितने वारदात को अंजाम दिया? पड़ोस में एक लड़का दीपक नाम का है, वो पैर कई रोज से गुंडागर्दी कर रहा था वहाँ। कुछ उससे समझा भी गया एक दो दिन पहले, माफी मांग ली उसने। आज उसने इस घटना को सुबह अंजाम दिया, जबकि ये हमारी सगी भांजी है और जो लड़के के फादर हैं वो वकील हैं, और उसने ऐसा हमला किया है कि सारे घर को ही गोली मारी है। उसने छोटी लड़की को गोली मारी है, बड़ी लड़की को खत्म कर दिया उसने, और माँ के भी चोट लगी है। पिताजी नहीं थे, बेटा नहीं था, अभी बेटा भी नहीं बचता। क्यों मारी है गोली और क्या वजह? मतलब उसकी गुंडागर्दी यह है कि तानाशाही, वो ये चाहता था कि जो लड़की है लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था, उसे रोका गया तो उसने माफी मांग ली, लेकिन उसने इस घटना को अंजाम दिया। कहने का मकसद यह है कि थाना कहीं दूर नहीं है, गुंडों को कतई किसी बात की चिंता नहीं, पुलिस का तो बिल्कुल भय नहीं है। यह घटना इतनी बड़ी हो जाना यह शर्म की बात है मेरठ के लिए। मैं तो कहूंगा पुलिस प्रशासन बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूं कि मुर्दाबाद की स्थिति में है। क्या नाम उसका? दीपक। दीपक है, उसके फादर का नाम राजेश है। लड़की का तो रिश्ता हो गया था, उसमें नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। परिवार बहुत सज्जन परिवार है, हमारे घर में रहते हैं, बहुत सज्जन परिवार। वो लड़का बदमाशी करता है, बदमाश है, ये परिवार पूरा शरीफ है। उसने मौका देकर ये संजाम को दिया, ये चाहता था कि ये मेरे अंदर में रहे लड़की भी सब। बाबूजी कितने घायल है? ऐसा भी कुछ नहीं था। बाबूजी कितने घायल है? हाथ में 3 घायल है। गोली क्या? दो का गोली लगी है, तो लड़की माँ बदर के भी चोट मारी है टूटने वगैरह। अच्छा। और फादर उसके ऑफिस में थे, लड़का भी भागता, लड़का थाने वहाँ अन्य लड़के को मारता हूँ। और इतना बड़ा हादसा आप देख रहे हैं, इसमें इतना बड़ा अन्याय, सबकी बेटी है, इस तरीके से करना, मैं तो ये कहूंगा फिर भी पुलिस प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए। अभी तो ये जंगल राज मैं तो जंगल राज मान रहा हूँ इस टाइम पे। ये सरकार जो कहती है कि सुरक्षा, कहाँ है सुरक्षा? किस नाम की सुरक्षा? लड़के का मर्डर कर दिया दूसरी लड़की। दोनों सगी बहने जिनके बोल रही है? दोनों सगी बहने।
देखिए पुलिस के संज्ञान में आया थाना क्षेत्र गंगानगर का मैटर है, एक तरफा प्रेम प्रसंग का मैटर अभी पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसमें एक लड़का और किसी लड़की के साथ एक तरफा प्रेम प्रसंग वाली बात उसने संज्ञान में आई है। और वो घर के अंदर गया, उसने दो लड़कियों को गोली मारी, जिसमें एक के सर में लगी, एक की टांग में लगी है। जिसकी गोली सर में लगी थी, जिसको वो चाहता था, वो लड़की एक्सपायर हो गई। बाकी जो दूसरी लड़की है, उसकी सगी बहन है, उसके पैर में गोली लगी है। ये बात अभी पुलिस को संज्ञान में, जो लड़का है वो अभियुक्त है, मेरे वो अरेस्ट हो गया है, पुलिस की कस्टडी में है और जो वेपन है वो बरामद हो गया। इसके अलावा एक चाकू का भी इस्तेमाल किया गया, पुलिस ने चाकू भी रिकवर कर। सर आरोपी की प्रोफाइल क्या है, किसी कांस्टेबल का बेटा है? आरोपी एक कांस्टेबल का बेटा है, ये वाले तथ्य संज्ञान में है। और दोनों जो घर हैं आरोपी के और वाली के, वो आप बगल बगल में है, तो बगल बगल के मकान में दोनों रहा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल, आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद।